हमल से बचने का, हमल से बचने का तरीका, कि हमल से बचने का आसान तरीका क्या है कि हमल ना हो। अब मियां बीवी फैसला करते हैं कि हमने वक्फा करना है, वक्फा करना है, या कुछ बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत करनी है तो वह वक्फा करना चाहते हैं। वैसे तो शरीयत में ये मंसूबा बंदी करना, बच्चे रोकना, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस अपने उम्मती के ऊपर फ़ख्र करूँगा जिसकी औलाद ज़्यादा होगी, जिसकी औलाद ज़्यादा होगी। तो हम तो ये कहेंगे कि बस बच्चे पैदा करो, ऐसी औरतों से शादी करो जो बच्चे देने वाली हों, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की भरमार कर दो। हाँ, लेकिन अगर कोई बेचारा परेशान है, वो कहता है कि मुझसे संभाले नहीं जाते इतने बच्चे, तो अगर वो वक्फा करना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो क्या करें, कुछ वक्फा करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन बेहतरीन और आसान हल ये है कि मर्द को चाहिए कि वो बहर इंजाल करे, बहर अपना इंजाल करे। अगर इसके ऊपर वो कादर नहीं है, यानी ख़तरा है, तो फिर वो गुब्बारा भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके ज़रिए भी, यानी कि हमल से एहतियात हो सकती है। तो ये तरीका है जो जायज़ तरीका है इंसान बहर करने का, या वो गुब्बारा लगाकर बीवी से जिमा करने का। तो ये दो तरीके।